सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला नजर मार लेने हैं सुर्खियां दे वल। कोरोना वायरस की तीजी लहर का खदशा, केंद्र सरकार ने बच्चों के इलाज न संबंधित दिशा निर्देश किए जारी। पंजाब विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 71 मौतां, 1333 नवे केस आए सामने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशासकीय सुधारों बारे विभाग के वधीक मुख सकत्तर नूं कीती अहम अपील। कोरोना की तीजी लहर नूं लैके चिंतावां जताईयां जा रही ने कि यह लहर इस बार बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगी, क्योंकि इस दे मद्देनजर सरकार ने कदम चुकने शुरू कर दिते ने। इस तरतीब विच केंद्र सरकार ने बच्चों के इलाज न संबंधित दिशा निर्देश जारी किए ने। सेहत मंत्रालय ने बच्चों रेमडेसिविर टीके की वरतों ना करन दी सलाह दी है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि इलाज दौरान स्टीरॉयड की वरतों नाल ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसकी वरतों सही समय से सही मात्रा में करनी बेहद जरूरी है। पंजाब विच पिछले 24 घंटिया के दौरान कोरोना कारण 71 मौतां हुईयां ने, जदों की 1333 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 16244 हो गई है, जदों की सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 584785 है, जदों की 553174 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके ने। मुक्तसर साहब के जिला प्रशासन के अधिकारियों की उच्ची टीम के वलों पिंड धूलकोट की पंचायत को 98% टीकाकरण कराने पर सम्मानित किया गया। इस मौके बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर एम के अरविंद कुमार ने समुची पंचायत के सरपंच संतोष कौर, जगदीप सिंह काला सोडी ते होर मोहतबरां नूं, जिन्हां ने दिन रात एक करके यह टीचा हासिल किया, वधाई दी। उन्हें कहा कि बाकी के रेंदे लोगों नूं भी जल्द तो जल्द टीका लगवा लिया जाए, ता जो पंजाब के मुख्यमंत्री वालों इस पिंड 10 लाख रुपए की ग्रांट नूं लैण दे हकदार बनाया जा सके। उन्हें दस्सिया कि इस लोक भलाई के काम लई प्रशासन वालों जो भी संभव सहायता होगी वह पूरी की जाएगी। सूबाई प्रशासन के कामकाज विच वधेरे कुशलता जवाबदेही लियाउण दे मकसद वजो पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशासकीय सुधारां बारे विभाग के वधीक मुख सकत्तर नूं सरकार विच सारे वरतोंकारां लई ई ऑफिस प्रणाली लागू करके मुकम्मल डिजिटाइजेशन यकीनी बनाउण लई आख्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजिकल फाइलां दी समुची प्रणाली नूं तुरंत ई ऑफिस विच बदल देना चाहिए, तां कि प्रशासकीय सुधारां दी लई उत्ते नागरिक केंद्रित सेवावां नूं तेजी नाल मुहैया कराउण विच यकीनी बनाया जा सके। खेती विरोधी काले कानूनों नूं रद्द करवाउण लई चल रहे शांतमई मोर्चे दे दबाव सदका भाजपा सरकार विच आपसी शरीका भेट शुरू हो गया। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा किसान आगू जोगिंदर सिंह ओरांगा ने टिकरी बार्डर ते भारतीय किसान यूनियन एकता दी गदरी बीबी गुलाब कौर नगर च चल रही स्टेज तों कीता। उन्होंने कहा कि बहुत सारे हिस्से ये गल महसूस कर रहे हैं कि किसानी कोल चलदे नूं 8.5 महीनों का समा हो गया, अज तक मोदी सरकार ने चुप्पी वट्टी हुई है, पर दिल्ली के बार्डर से चल रहे किसान अंदोलन नाल भाजपा की लीडरशिप फुट पैनी शुरू हो गई है, जिसकी मिसाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वालों बगावत आरएसएस का विरोधी होना है।
मुल्क दी केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेती बिलों के खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है। इस अंदोलन दौरान तशद्दुद का शिकार हुए सारे प्रभावित लोगों को न्याय दवाना विधानसभा द्वारा गठित की गई पांच मेंबरी विशेष अंकित कमेटी का मुढ़ला फर्ज है। जानकारी विधानसभा की विशेष अंकित कमेटी के सभापति सरदार कुलदीप सिंह वैद ने फील्ड होस्टल विखे पत्रकारों नाल गलबात दौरान किया। दस जून तो पंजाब सरकार वालों सूबे के किसानों नूं झोने की लवाई का आगाज करन दे निर्देश जारी किए गए ने। इसे नूं लैके किसानों वालों कस्बा जोगा के नाल लगते पिंडां दे किसानों ने अपने खेत में झोने की लवाई का काम तेजी नाल शुरू कर दिता है। झोने की लवाई लई इस बार पहला नालों प्रवासी मजदूर भी ज्यादा दिखाई नहीं दिते। उधर दूजे पासे नहरी पानी ना मिलन करके ते बिजली सप्लाई पूरी ना होने करके किसानों नूं परेशानियां दा सामना करना पै रहा है। इसलिए किसानों ने सरकार नूं अपील की है कि नहरां रजवाहियां विच पानी छड्डिया जावे ते मोटरां दी बिजली सप्लाई भी निर्विघन जारी रखी जावे। श्री मुक्तसर साहिब विखे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अलका सरीन वालों एक वर्चुअल समागम दौरान जिला सैशन जज श्री अरुण वीर की मौजूदगी विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि अदालतों में फिजिकल अपीयरेंस बंद होने कारण इसका आगाज किया गया ताकि लोगों को इंसाफ लेने विच कोई दिक्कत ना आवे। हलका दखनी दे विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया वालों चाटीविंड नहर दे रेलवे लाइन ते नवे बने अंडरपास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक बुलारिया ने दसिया कि इस अंडरपास ब्रिज की समय के मुताबिक बहुत लोड़ सी क्योंकि फ्लाईओवर बनने कारण रेलवे लाइना के आले दुआले रिहायशा वंडिया गई सन, सो इस ब्रिज के नाल फिर तो एक तो दूसरी साइड आना जाना बहुत ही सौखा हो गया। समय तो मांग आ रही थी कि कोटमेत सिंह का एरिया जड़ा वो बाकी दूजे बन्ने नालों वो कट गया सीगा। यह पुल बन करके जड़ा उत्ते असी वड्डा पुल बनाया सीगा जड़ा नहर उत्तों और रेलवे क्रॉसिंग उत्तों टप्पिया सीगा। यह पुल बनन करके बहुत वड्डी दिक्कत आ गई थी इतने लोगों को, सारियां नूं उत्तों दी वल के पुल राहीं नहीं जाना पैंदा सीगा। एक डिवीजन बन गई सी हल्के दे विच, इस डिवीजन नूं दूर करन लई असी अंडरपास जिहड़ा प्रपोज किया सीगा। और मैं दसना चाहना कि बहुत ही माणयोग सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत वड्डा योगदान इच्छा किया और खास तौर पर साडे मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत औजला जी उन्होंने भी बड़ा वड्डा योगदान दिता सीगा और दिल्ली जाके इस सारे प्रोजेक्ट को परस्यू किया सीगा। एज अ टीम असी सारिया ने रल मिल के यह अंडरपास को बनाने में कामयाबी हासिल की है। सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं कि इसी तरह बल बख्शिश करन और इसी तरह असी सेवा करते रहिए। मैं दसना चाहना कि अंडरपास जिहड़ा वो 21 फुट चौड़ा और 175 फुट लंबा जिहड़ा अंडरपास बनया, इहदे नाल हज़ारां लखां लोगों को फायदा होगा। जिहड़े लोग एक डिवीजन करके पुल बन करके दो इलाके कट गए थे, अज उन्हां दोवां इलाकियां नूं जोड़न का बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा अज पावन पवित्र दिन अज इत्थे कीता जा रहा है। और इहदे नाल मैं दसना चाहना कि बहुत वड्डा योगदान जिहड़ा असी होर आने वाले समय से संगतों के आशीर्वाद के पावे और सड़क भी जड़िया इतने सारिया चार पाँच सत्त सड़क जड़िया ने बड़ी देर तो पेंडिंग चलन दिया से भी उद्घाटन अभी आने वाले अगले हफ्ते दसा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की तरफों वोकेशनल अध्यापकों बिना शर्त वोकेशनल ग्रांट सिक्ख्या विभाग में बिना शर्त पक्के करन दी मांग नूं लैके वक्खरे ही ढंग दे नाल पटियाला दे दुख निवारण बस स्टॉप के बाहर रोस प्रदर्शन किया गया। NSQF अध्यापक 9वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों नूं लंबे समय तो पढ़ाउंदे आ रहे हैं, लेकिन इन्हां दे पिछले काफ़ी लंबे समय तो मांग है कि इन्हां नूं पक्का किया जाए तां जो इन्हां दी तनखाह विच वाधा होवे। नगर निगम हुशियारपुर के सफाई कर्मचारियों वालों अपन मंगा लैके नगर निगम दफ्तर में की जा रही हड़ताल 29वें दिन भी जारी रखी गई। इस मौके समूह मुलाजमान वालों स्थानक घंटाघर चौंक तक रोस मार्च कढ़िया गया ते पंजाब सरकार का पुतला फूकया गया। इस मौके सफाई कर्मचारी यूनियन के आगुआ ने कहा कि सरकार वालों सफाई कर्मचारियों नाल मतरेई मां वाला सलूक किया जा रहा है, जिसनूं लैके कर्मचारियों विच भारी रोस पाया जा रहा है।
एक नाबालिग दे नाल बलात्कार की घटना जलंधर के बलदेव नगर विच सामने आई है। परिवार के अनुसार लड़की ने एक गुआंढी नौजवान ते उसके साथी ने अगवा किया सी ते फिर बलात्कार किया गया ते बुधवार को रिहा किया गया। पुलिस ने लड़की का मैडिकल कराउण तो बाद कार्रवाई करन दी गल कीती है। गुरदासपुर के पिंड औलख खुरद विथे एक गुरदासपुर के पिंड औलख खुरद विच एक व्यौता वालों सहुरे परिवार तो तंग आके जहरीली चीज पी के आत्महत्या कर ली गई है। थाना श्री हरगोबिंदपुर की पुलिस ने मृतक के पेके परिवार के बयान से पति सस दो देवरां ते मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। रीना जिसका विआह करीब दो साल पहला श्री हरगोबिंदपुर के पिंड औलख खुरद के रहने वाले यादविंदर नाल होया सी। रीना के परिवार का कहना है कि विआह के बाद ही पति यादविंदर उसकी सस रीना नाल मार कुटाई करते सन जिस तो तंग आके उसने खुदकुशी कीती है। पंजाब विच बीते दिन शाम नूं तेज हवावां ते हनेरी चली है जिस दे नाल फतेहगढ़ साहिब विखे तेज हनेरी झक्खड़ चलन कारण दरखत टुट के सड़कां विचकार घिर गए जिस नूं खेतां विच जीरी बीज रहे नौजवानों ने कट के साइड ते कीता। इस मौके ते दरख्तां नूं साइड ते करन वाले नौजवानों ने कहा कि उन्हां वल्लों अपना नैतिक फर्ज समझदिया होया इह दरख्त हटाए गए ने क्योंकि कोई भी एमरजेंसी किसी नूं भी पै सकती है ते जेकर रोड साफ होएगा तां कोई वाहन सड़कां तों गुजर सकेगा। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।